मैंने आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. मेरे सामने एक खातून ट्रेनिंग में दे रहा था अपने जोंग टेलीकॉम में. तो वो एक लड़की आई कॉल सेंटर की कॉल लेने के लिए, ट्रेनिंग के लिए बैठी हुई. तो मेरी आदत है मैं इस तरह ना माइक ले लेके ना पूछता था क्या किया. तो कहती मैंने सर PhD किया हुआ स्टेटिस्टिक्स में. तो मेरा दिल मुंह को आ गया कि तू कॉल सेंटर पे कॉल लेने आएंगे तू PhD स्टेटिस्टिक्स करके. तो मैंने भी, मुझे भी शरारत सूझी कि PhD तो किया ही होगा, कर ही लेते हम, कुछ आता जाता भी है या गूगल करना पड़ेगा. तो मैंने उसको अपनी जोंग की फाइनल सेटिस्फेक्शन सर्वे दिखाया. मैंने कहा यार ये मेरा लैपटॉप है, इसकी क्वेश्चन ये, आपने स्टैट्स पढ़ी हुई है. तो मैंने आर स्क्वायर्स दिखाए ना उसको कि ये मेरे आर स्क्वायर्स की वैल्यू है इस वक्त, ये मेरी पी वैल्यू है, ये कॉन्फिडेंस लेवल है, बताओ. 5 मोबिलिंग टैलेंट और व्यू फोन, ये सब 2.5 अरब रुपया लगाते हैं इस रिपोर्ट के ऊपर हर साल 500 कंपनियां मिलकर कि वो मुकाबला जीत जाए. ठीक है, वो वाली रिपोर्ट मैंने उसको दिखा दी कि क्या बोलेगी. शी लुक्ड, शी वेंट इन 30 सेकंड, शी सेड सर जिसको स्टैट्स नहीं ना आती उसके लिए बहुत अच्छी रिपोर्ट है. एंड आई सेड तुमने इतनी जोर का तमाचा मारना था तो 50 बंदों में तो इज्जत रख लेती, क्या मतलब इस बात का. शी सेड सर इसको बेसिक बेस लेवल फॉर्मूला गलत लगा हुआ है, या तो अगर डेटा गलत आया होगा. आई इंटरव्यूड हर मोर, सबके सामने इसी तरह रूम में बैठे हुए, और वो 12,000 + 6,000 18,000 की नौकरी के लिए आई थी, 12,000 बेसिक पे और 6,000 उसके बोनस. और 3 दिन के अंदर अंदर उसको मैंने रिजाइन कराया कि चलो निकलो इधर से, और रीहायर करवाया उसको 84,000 के ऊपर उधर ही. कि ये पोटेंशियल इस क्लैरिटी का सिर्फ इसलिए अटा हुआ क्योंकि और घर में बोर हो रही थी सर. मैंने कहा कुछ तो करने के लिए काम है नहीं तो कॉल सेंटर चली जाती हूं, वायर क्लियर है ही नहीं और पोटेंशियल कहां पे जाया हो. यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज आर गर्ल्स, 21 ईयर ओल्ड गर्ल की मैंने आपको एग्जांपल दिया. अभी उसकी शादी हुई, वो ससुराल में कोई था नहीं, शोर काम करने जा रहा था, साथ बेचारी बूढ़ी थी तो अकेली टीवी देख देख के बोर हो गई. इसने कहा यार क्यों ना कॉल सेंटर में जॉब कर ली जाए. जरा सोचें टाइम पास के लिए वो आई थी. अभी वो 1.5-2 लाख रुपए ले रही है. तो मैं पुराना वाक्य सुना रहा हूं आपको. क्यों? क्योंकि सोने की कान के ऊपर पकौड़ों की दुकान खोली थी. सुने, यही करते हैं सारे हम, सारा का सारा वाय सेक्टर इकट्ठा और हु के अंदर फंस गए कि अच्छा वो ही कह रही. अच्छा क्यों कॉल सेंटर क्यों? सर मेरी सहेली है कॉल सेंटर में होती है, उसने कहा था. जरा सोचो ना, सिन्हा कहां से कहां पहुंचा रहा था बंदा आपको, अगर आपका पासपोर्ट गलत है तो. किस किस की क्लास 12:30 बजे नहीं है? तो जा ही रखू मैं, फिर है 10 मिनट. अच्छा जल्दी से आप वापस आ जाए अपने उस सेक्टर में जहां पे हम बात कर रहे थे. ये बहुत करोड़ रुपए की लाइन है, ये याद रखिएगा. हर पाकिस्तानी खातून को गिफ्ट में देता हूं मैं. अगर आपको अपने घर का माहौल नहीं ना पता, ठीक है, तो नौकरी मत कीजिएगा. पहले जिस तरह प्रोफेशनल सेक्टर में अपने कंपनी के माहौल को चेक करते हैं ना, अपने घर के माहौल को चेक करें. अगर आपको पता चलना है रिस्क फैक्टर कहां पे है मेरे घर का, इमोशनल रिस्क कहां पे है, फाइनेंशियल रिस्क कहां पे, जब आपको पता चल जाएगा, और 18-19 साल में पता चल जाता है. ठीक है, आपकी जब कोई दूर पार की कजन आती है तो कुछ बातें बताती है, कुछ नहीं ना बताती. ठीक है, सबको पता होता है कि घर की स्ट्रेटेजिक रिस्क कहां पे है. बिल्कुल, जब तक आपको अपने घर का माहौल नहीं पता, आपने जिस तरह की मुश्किलात देखनी है ना इस पाकिस्तानी सोसाइटी में, वो किसी और सोसाइटी में नहीं है. पाकिस्तानी मर्द से ज्यादा खूनखार जानवर मैंने आज तक ही देखा. ओके, और मैं पूरी दुनिया में फिर रहा हूं. अपने घर के माहौल को पहले रीड करें कि हाँ ये मेरा रिस्क एनालिसिस है, ये इस तरह का मुझे माहौल चाहिए. जब आपका इस तरह का सेक्टर बन जाएगा तो इंटरव्यू में आप सवाल पूछेंगी करेंगी नहीं, वो नहीं करेंगे. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप जिस बिल्डिंग में जा रहे हैं उस बिल्डिंग का माहौल आपके घर से मुताबिक रखता है. जैसा भी माहौल है, इट डज नॉट मैटर गुड और बैड, आपके सेक्टर से अपने कफू में होना चाहिए. अभी मैं कफू कहते हैं ना उसको, अपने कफू में सेक्टर रखे हैं अपने. आप रिस्क पे हैं इसलिए कह रहा हूं. रोज की डिप्रेशन से एक दिन की जो है ना ऑप्शन नॉट टू गो समवेयर इज वे बेटर. डोंट गो टू अ कंपनी विच डज नॉट सीम लाइक योर हाउस. ओके, देखें अमूमी पाकिस्तान की हु सेक्टर की बीमारी पता क्या है? नौकरी हर जगह अप्लाई करेंगे, जहां से कॉल आएगी जरूर जाएंगे, जो पूछेगा यस जरूर करेंगे, और नौकरी करने के बाद फैसला करेंगे ये करनी है कि नहीं. ये क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, ये फिल्म उल्टी क्यों चल रही है? पहले फैसला क्यों नहीं किया कि ये करनी है कि नहीं, उसके बाद अप्लाई क्यों नहीं किया, और फिर कॉल आने के बाद क्यों नहीं गए?
ये सारा का सारा ये उल्टी गंगा के पता किसने भाई है, ये हू के बादशाहों ने, कि बेटा ये सब कर रहे हैं तो आप भी कर लें, ये है ना हू, सब करेंगे तो मैं भी करूंगा। आप एक भेड़ बकरी हैं, सुबह सुबह आपको एक गाय भैंस की तरह चला करो, जब इकट्ठी सारी बकरियां देखो साथ हो लो, जिधर जाए साथ ले जाओ, ठीक है, और जो जहां रुक जाए खतरा है, ना रुके कुएं में भी छलांग लगा दो। ये हू सेक्टर के तोहफे तहाइफ हैं जो हमें बचपन से मिले हैं। कोई ये भी नहीं पूछता, एक बकरी दूसरी से पूछती, यार ये क्यों जा रहे हैं इधर हम, कभी सोचा बकरी और खातून में फर्क होता है ना, खातून तो पूछे कि यार ये क्या चल रहा है, क्यों क्यों करूं मैं। इंसान के अंदर ये जो भेड़ बकरी है ना, इसको आपने वायर से साफ करना है कि पूछे सही, और मगर हमारा कल्चर अगेंस्ट है इसकी, याद रखिएगा, वाई की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बचपन में एक बार कोई पूछना अबू जी क्यों, फिर पता चलता है हू की ताकत वाई के ऊपर। मगर सब बच्चे थे ना, आप बच्चे थे, कोई बात नहीं, अब बड़े हो गए, ठीक है, आपसे कौन कह रहा बोले, आपसे कह रहा हूं सोचें, सोचें खाली, अपने आप को पकाएं, जितना लंबा दौरानिए का वाई होगा ना उतना बड़ा मकसद होगा। अपने लिए वाई नहीं कोई सोचता, वाय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि 100-100 साल, 2-2 साल के प्लान होते हैं। फातिमा जिन्ना ने अपने लिए पाकिस्तान बनाया था, तो सोचने से उसको क्या मिलता था बेचारे को, अमीर तरीन औरत थी वो। समझे, ये जो आजकल के हीरो है ना, ये नवाज शरीफ, इमरान खान, अल्ताफ हुसैन, जरदारी, ये सब ये अपने अपने लिए बैठे हुए, इसीलिए तो कोई इनको पसंद नहीं करता, उनके पीछे आता ही नहीं, हर कोई छक में रहता है कि यार तू असली हीरो है कि नहीं। और कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि मोहम्मद अली जिन्ना पे शक करे, या करप्शन का केस हो, या कोई कह दे कि यार उर्दू तो सीख ले यार पहले। हमें अब वो बेचारा बिलावल भुट्टो कोशिश कर करके उर्दू बोलता है और लाख होंसरे होते हैं, वाई नहीं पता ना उसकी, किसी को वाई नहीं पता, वरना कोई फिक्र ही नहीं करता कि कैसे बोल रहा है यार, वाई उनको खुद ही नहीं पता, बेचारे लोगों क्या बताएंगे। एक आता है मैं आपके पनामा लीक के ऊपर ये कर दूंगा, दूसरा ये कहता है ओ आपके 200 कत्ल, दूसरा कहता है मेरे 200 कत्ल, तेरे 400 कत्ल। वही घुमा देते सबको, पूरा पूरा दिन बैठी पूरी पूरी कौम ट्रेन हो रही होती है। एक दफा आपको पता चल गया ना कि ISPR क्यों, क्या नाम था आपका, मरियम, मलका, मलका, आपको क्यों नहीं पता चला अभी तक कि ISPR ही क्या चीज आपको अट्रैक्ट करी, आप सुने पता क्यों, क्योंकि आप अभी तक ये सोच रही हैं कि जो चीज दिखती है वही बिकती है, जो ऊंची दुकान मीठा पकवान, समझ आई, ये हमें सेक्टर में हमारे सेंट्रल, इसको टेस्ट करें, क्या पता ISPR में मकसद छुपाओ, ठीक है। कैरियर कैसे चेक होता है, ऑथेंटिसिटी की रेपुटेशन, किस चीज की ऑथेंटिसिटी, स्किल की, द रेपुटेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ अ स्किल। एक बंदे की रेपुटेशन कैसे बनती है, याद रखिएगा, रेपुटेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ अ स्किल। वो ताहिर शाह की भी रेपुटेशन है ना, है ना, किसका हीरो है वो, आप बताए ना, आपकी हिट्स लगती है, आप जा रहा के देख रही है, रेपुटेशन है, क्या नाम आपका, अरीबा, रेपुटेशन है ना, है भाई, 70-80 मिलियन हिट्स हैं उसकी एक वीडियो पे, मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल होता है, लड़कियों को तो नहीं पता, लड़के एक दूसरे को कहते हैं यार ताहिर शाह टाइप का आदमी लग रहा है, ठीक है, किस चीज की रेपुटेशन, या शाहिद अफरीदी, रेपुटेशन तो है, ऑथेंटिसिटी नहीं है, डिपेंडेबिलिटी नहीं है उसकी, क्योंकि साइंस ही नहीं पता उसकी, वाय तो छोड़े ना, साइंस नहीं, हाउ ही नहीं पता उसकी। रेपुटेशन कैन किल योर करियर एज वेल, ओके, सो मेक श्योर, लड़की की रेपुटेशन कैसे बनती है, आप दुनिया में किसी भी इंसान की, आप तो जानवरों की रेपुटेशन बन जाती है यूट्यूब पे, यू विल हैव टू रिसर्च कि क्या चीज कहां पे मार्केट करनी है, मेरे अपनी कंपनी की खातून है जो कि मेरे साथ इसलिए अटैच हुई थी, उनका नाम आयशा है, शी वॉज डूइंग हर ओन बिजनेस एंटरप्रेन्योर, वो अपने गांव में जाके ऊन के कपड़े बनाती थी और नॉर्वे और स्वीडन मीट करती थी, क्योंकि वहां पे उनकी जरूरत है, जून में कारोबार सस्ता पड़ता है उनका, यहां पे पैसे भी जाती थी, वहां पे ऑनलाइन बेच रही थी, एक घर से, दो घर से, तीन घर से। उसने कहा क्यों, मैंने कहा यार इसमें तुम्हें क्या वो है बिजनेस पर्सपेक्टिव, कहती सर मेरा बचपन से शौक था, हर वक्त मेरी निटिंग और सो डिजाइनिंग की टेक्निक्स, इससे मुझे सुकून मिलता है दिल को, पैसे नहीं आए थे, मैं 3 साल पैसे नहीं बनाए मैंने, मगर मैंने भेजे, कुछ लोगों ने मंगवाए, पैसे दिए ही नहीं, हो जाता है ऐसे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा था, क्योंकि अगले दिन सुबह में उठती थी मुझे वो गम भूल गया था और अगले दिन ही खुशी होती, आज फिर नीटिंग करनी, क्योंकि उसको एक अंदर से ना, उसको वो एक नेचुरल टेंडेंसी थी उसकी। बहरहाल द पॉइंट इज,
How did she make her reputation? Through all of these channels. This is a list of all those girls who are under 25. That means is kamre mein baithi ho pata bhi nahi chalega. Kya kiya usne? This woman full time job chhod ke teachers aur parents ko calibration system banaya to monitor the child's education. Aur super hit ho gaya wo. Usko pata tha na ki ye कहां पे किस चीज की जरूरत है, कैसे इसको ख्वाब आती थी या वो ऐसी किताबें आपके पास ऐसी, इसका कोई कोर्स कराया जाता है. शी हैड दैट अपर्चर ऑफ हर कैमरा वाइड ओपन कि इस वक्त कहां पे क्या चीज चल रही है. क्यों? मैंने आपसे कहा जो चीज आपको शौक होती है ना, वो बगैर चाहते हुए भी उसकी इंफॉर्मेशन आपको आ रही होती है. आप चाह रहे हो ना चाह रहे हो, आप उसकी इंटेल और विजडम गेन कर रहे होते हैं. एंड दैट्स हाउ दीज पीपल गेट टू नो कि यार ये मेरे टाइप का काम है, ये मैंने करना है. हु इज दिस वुमन? अच्छा, आप ना बेसिकली मेन स्ट्रीम से आउट हैं, पता है आपको मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा. ये आप ही की पाकिस्तान की ख्वातीन हैं जो कि बड़े बड़े काम कर रही हैं. आप असल में ना, आपको मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपके सामने रिलेट करने के लिए ना पाकिस्तान ने पूरी साजिश की गई है कि औरत को कुछ नहीं करने देना. क्लास वन से लेकर टेंथ तक एक औरत नहीं है जिसमें हीरो हीरो का सिंबल हो, एक भी नहीं है. इंटर में जाए एक भी नहीं है, बैचलर में जाए एक, और वो भी इंतहाई घिसी पिटी कहानी जिसे इंस्पिरेशन आ ही नहीं सकती. मास्टर लेवल में खोज खोज के औरत ढूंढनी पड़ती है कि भाई कोई हीरो थी भी कि नहीं हमारी, किसने कुछ किया भी है कि नहीं. आप लोगों को कभी कैसे कोई रिलेट क्यों ना करे? Why won't you get suppressed by the local man of the who culture? Because 1800 हीरो खाली आठवीं तक ही पैदा हो जाते हैं. मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, दीज आर यू गाइज जस्ट फ्यू प्लेसेस फॉर फ्यू ईयर्स अहेड. दैट्स इट, दीज आर यू गाइज. आपकी उम्र की है, आपसे कम तजर्बेकार थी ये, मगर इनका अपर्चर खुल गया हुआ था. और वो कैसे हुआ था? ऑल दे वर डूइंग वाज डूइंग समथिंग दैट स्पेंडिंग टाइम. याद रखिएगा, यू गेट अप्रिशिएटेड इन पब्लिक व्हाट यू प्रैक्टिस इन प्राइवेट. ये रूल है, ये कायनात का असूल है. जिस बंदे ने आगे तरक्की की है वो उसने पहले मेच्योरिटी पर्सनली या मेंटल लेवल पे या फिजिकल लेवल, स्पोर्ट्समैन था तो फिजिकल लेवल पे, फलसफी था तो मेंटल लेवल पे. यू गेट अप्रिशिएटेड इन पब्लिक Whatever you practice in private. और private में practice करने के लिए बाकायदा शौक की जरूरत होती है ना. दो ही तरीकों से आप पहुंचेंगे जगह पर, या शौक से या मजबूरी से. शौकिया वाले भी उसी जगह खड़े होंगे मजबूरी वाले इल्म की, और आप डिप्रेस होकर मरने वाले स्टेज में पहुंचेंगे और वो इंतहाई सेहतमंद होंगे कि भाई हमें तो बड़ा मजा है इस मुश्किलें देख के, बिकॉज वी वर डूइंग समथिंग विच वी लाइक डूइंग. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एंड नाउ. ओके, आपने आज मेरे जाने के बाद एक काम करना है. अपना ना किताब पे घर जाके कहीं पे भी आपने लिखना है कि 10 साल बाद मेरी स्टेट क्या होगी, आई डोंट केयर. मफलूज होंगी, मुफलिस होंगी, आई डोंट केयर. मैं क्या करना चाहती हूँ या क्या बन चुकी होंगी या क्या बन रही होंगी, मुझे पता करना है. और आज और कल और परसों आंसर नहीं मिलेगा इसका, कसम उठवाया नहीं मिलेगा. हमारी ट्रेनिंग में नहीं है ना, इतनी धूल आ चुकी है. 3-4 हफ्ते 10 दिन तक कांस्टेंट प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि यार इससे मिली हूं तो पता चला है, वो किताब पढ़ी है तो पता चला है कि आई कैन एंड एम वेरी गुड एट बिकमिंग दिस एंड दैट टॉक्स टू माय पर्पस स्टेटमेंट. लिखें वो.